दोस्तों, आपने पपीते का नाम तो सुना ही होगा। पपीते का मूल स्थान अमेरिका है और इसको पहली बार मेक्सिको में उगाया गया था। भारत में इसे पुर्तगाली लेकर आए थे। पपीते का स्वाद मीठा होता है। यदि आपको इसका असली स्वाद चखना है तो पक्का पपीते का सेवन करें, तब आपको पता चलेगा पपीता कितना स्वादिष्ट होता है। कच्चा पपीता हरे रंग का होता है, जबकि आधा पका पपीता हरा और आधा पीला होता है। पपीता जब पूरी तरह से पक जाता है तो यह सतरंगी रंग का हो जाता है। दोस्तों, पपीते के अनेक स्वास्थ्यवर्धक लाभ होते हैं। स्वाद और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होने के कारण पपीता एक बहुत ही लोकप्रिय फल है। पपीते की खासियत है कि यह मौसमी फल ना होकर साल भर मिलता है। अमूमन लोग नाश्ते और फ्रूट सलाद में पपीते का सेवन करते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज हम आपको पपीते से जुड़े बहुत ही खास और महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। दोस्तों, पपीता खाने का तरीका बड़ा ही आसान है। यह एक फल है और इसको आप किसी भी फल की तरह खा सकते हैं। इसके ऊपरी छिलके को छील लिया जाता है। उसके बाद जब आप इसे काट कर खाते हैं तो आप इसको नॉर्मली किसी भी फल के साथ मिलाकर सलाद बनाकर खा सकते हैं, या आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। पपीते को नींबू पानी, आइस टी या पानी में मिलाकर पिए, इससे आपको दिन भर ताजगी महसूस होगी। कच्चे पपीते को आप आम और दूसरे मसालों के साथ मिक्स करके खा सकते हैं। कुछ लोग इसे मछली के साथ भी खाते हैं। अन्य फलों के जूस या फिर स्मूथी के साथ ठंडा पपीता मिलाएं। इसे आप अनानास के रस, केला और दही के साथ भी खा सकते हैं। दोस्तों, पपीते की तासीर गर्म होती है। हालांकि खाने में यह ठंडा महसूस होता है, लेकिन इसकी तासीर जो होती है वो बहुत गर्म होती है। गर्भावस्था के दौरान पपीता बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होने की वजह से यह शिशु को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, पपीते के अनेकों फायदे हैं। पपीते के फायदे आपको हृदय रोग से बचाते हैं। इसमें फाइबर, पोटेशियम और विटामिन होता है, जिससे हृदय रोग ठीक हो जाते हैं। ज्यादा पोटेशियम खाने से और कम सोडियम खाने से हृदय रोग का जोखिम बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसीलिए आपको अपनी डाइट में पपीते को जरूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप पेट से जुड़ी समस्याओं और कब्ज से परेशान हैं, तो आपको पपीते का इस्तेमाल करना चाहिए। पपीते में पपेन नाम का एक पाचन एंजाइम पाया जाता है, जो कि आपकी पाचन क्रिया को बहुत तेज कर देता है और आपका जो शरीर है वो आसानी से खाने को पचा लेता है, जिससे आपकी पाचन प्रक्रिया बेहतर हो जाती है और आपको पेट से जुड़ी समस्याओं में बहुत राहत मिलती है। दोस्तों, यदि आप स्किन रिलेटेड समस्याओं से परेशान हैं, जैसे कि मुहासे वगैरह, तो फिर आपको इसमें पपीते का फेस पैक का यूज करना चाहिए। जब आप पके हुए पपीते को फेस पैक के रूप में उपयोग करते हैं, तो यह त्वचा के छिद्रों को खोलने में आपकी मदद करता है, जो मुहासे का इलाज करने और त्वचा के संक्रमण को रोकने में मददगार है। पपीता मृत त्वचाओं की कोशिकाओं को निकालने और आपको ताजी और चमकदार त्वचा देने में सक्षम है। यह चेहरे पर उम्र बढ़ने के संकेत को भी कम कर देता है। इसीलिए आप पके पपीते को एंटी एजिंग फेस मास्क के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तो आप पपीते का सेवन कीजिए। पपीता विटामिन ए और सी, फाइबर और पोटेशियम का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। यह पोषक तत्व आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। इसके अलावा यह फल फाइबर में समृद्ध है, जो कि आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है और आपको अधिक भोजन खाने से बचाने के साथ साथ कब्ज को भी रोकता है। पपीते में पाए जाने वाला एक एंजाइम, जिसको कि पपेन बोलते हैं, यह पाचन में सहायक होता है और आपके पेट से भोजन को आंत की तरफ तेज गति से बढ़ाता है, जिससे कि आपका खराब पाचन तंत्र सही हो जाता है। खराब पाचन को अक्सर खराब पोषण के साथ साथ वजन की समस्याओं का भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस वजह से पपीता को वजन कम करने के लिए एक उत्तम आहार माना जाता है। पपीता में कोलेस्ट्रॉल, वसा और कैलोरी बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। इसीलिए यदि आप डाइटिंग पर हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो यह एक उत्कृष्ट भोजन आपके लिए साबित हो सकता है। दोस्तों, आजकल हाई ब्लड प्रेशर एक कॉमन समस्या है। पपीता पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है। पोटेशियम, जो कि एक प्रकार का खनिज होता है, वह सोडियम के प्रभावों का मुकाबला करता है और हाई ब्लड प्रेशर के स्तर को सामान्य रखने में मदद करता है। यही वजह है कि कई सारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ यह सुझाव देते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित रोगियों को रोजाना आहार में पपीते को जरूर शामिल करना चाहिए। अपने आहार में पपीते की मात्रा में वृद्धि करने के लिए आप इस फल को सलाद में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कच्चे पपीते का भी सेवन कर सकते हैं, जो कि आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत लाभकारी होता है। दोस्तों, यदि आप अक्सर सर्दी, खांसी या फिर फ्लू से पीड़ित हो जाते हैं, तो ऐसे में पपीता आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। पपीते में अन्य शक्तिशाली प्रतिरक्षा प्रोटीन, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए और ई भी पाया जाता है। पपीता में पाया जाने वाला विटामिन ए और ई आपके स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और आप अक्सर होने वाले सर्दी, खांसी या फिर फ्लू से बच जाते हैं।
दोस्तों इतने सारे फायदे होने के अलावा पपीते के थोड़े बहुत नुकसान भी हैं, जैसे कि इसकी तासीर गर्म होती है, इसीलिए इसे गर्भवती महिलाओं को इस्तेमाल करने के लिए मना किया जाता है। जो लोग पीलिया रोग के शिकार होते हैं उनको पपीते का सेवन करने से मना किया जाता है, क्योंकि इससे आपके रोग में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही यदि आप दस्त से पीड़ित हो तो आपको पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह आपके दस्त को बढ़ा सकता है। इन छोटे मोटे नुकसानों के अलावा पपीते के बहुत सारे लाभ हैं, इसीलिए आपको अपने खाने में पपीते को जरूर शामिल करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक जरूर करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।